Now our third type is reflexive pronouns. We have done two types. First is personal pronoun, second is possessive pronoun and third is reflexive pronoun. ये reflexive pronoun क्या होता है? There are some words that are reflexive pronoun, जैसे yourself, myself, himself, herself, itself, oneself, themselves, ourselves, and yourselves, right? These are words which are known as reflexive pronoun. कौन से होते हैं? You से yourself, my से myself. जैसे example लेते हैं, myself अपना name, himself He himself does his work. Herself, itself, oneself, themselves. ज्यादा आगे तो हमने self की place पे क्या use किया? Selves and ourselves, right? And yourselves. Clear? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? इट एंड्स इन सेल्फ. इनका एंड सेल्फ से होता है, जो कि सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है. और अगर प्लूरल है, जैसे हमने पिछले पिक्चर में देखा, योर सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ सिंगुलर, आर सेल्फ सिंगुलर, राइट? और देम सेल्फ क्या था? वो प्लूरल. अगर हम सेल्फ यूज करते हैं तो वो सिंगुलर के लिए यूज होता है, अगर हम सेल्व्स यूज करते हैं तो वो प्लूरल के लिए यूज होता है, राइट? यूज्ड विद अ नाउन और प्रोनाउन. ये नाउन के साथ भी यूज हो सकता है और प्रोनाउन के साथ भी यूज हो सकता है. क्लियर? देयर आर एट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. कौन कौन से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है? अभी हम कर चुके हैं. ये सिंगुलर में कौन से आएंगे? पहले हमने डायरेक्ट किए के मिक्स किए थे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. अब हम इसको कैटेगराइज करते हैं कि सिंगुलर में कौन से प्रोनाउन आएंगे और प्लूरल में कौन से प्रोनाउन आएंगे, राइट? सिंगुलर में माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ एंड इट सेल्फ. कौन कौन से है? माई सेल्फ, योर सेल्फ, itself, herself and himself, right? Five reflexive pronoun आते हैं singular में. And plural में कौन से pronoun आएंगे? Ourselves, yourselves and themselves. Clear? Ourselves, ourselves, yourselves and themselves. जिनके पीछे s e l v e s word use किए हैं, that are plural reflexive pronouns. एंड जिनके पीछे एस ई एल एफ सेल्फ यूज किया गया, दैट आर सिंगुलर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. क्लियर? लुक एट दिस पिक्चर. Look at this picture. In this picture, there are some pronouns are given in this picture. Some are singular and some are plural. Singular में कौन से pronoun आते हैं? I, you, he, she, it. I, you, he, she, it. And plural में we, you and they. Clear? Next, look at this picture. Mayur is dancing. Mayur is a noun. It is a singular noun. And we will use he in place of Mayur. Hum Mayur ki place pe kya use karenge? He use karenge because he is a pronoun. So Mayur kya tha? Singular noun. Singular noun ki place pe bhi हम प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, दैट इज ही. क्लियर?
नेक्स्ट इज इन द नेक्स्ट पिक्चर द ट्री इज ग्रीन. ट्री ट्री इज ऑल्सो अ सिंगुलर नाउन, सो वी विल यूज इट इंस्टेड ऑफ ट्री. इट इज ग्रीन, सो इट इज अ प्रनाउन. लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल. टीना एंड आई आर गुड फ्रेंड्स. टीना एंड आई बोथ आर प्लूरल नाउन, सो वी विल यूज इन प्लेस ऑफ टीना एंड आई वट विल वी यूज. वी विल यूज वी आर गुड फ्रेंड्स. वी इज प्रनाउन. क्लियर. वन मोर एग्जाम्पल. बॉयज आर प्लेइंग. लुक एट द पिक्चर. टू बॉयज आर प्लेइंग हियर एंड वी विल यूज वर्ड दे इंस्टेड ऑफ बॉयज. दे आर प्लेइंग. दे क्या है इसमें? प्रनाउन. क्लियर. नाउ यूजिंग अ रिफ्लेक्सिव प्रनाउन मीन्स यू डोंट हैव टू रिपीट द सब्जेक्ट. तो रिफ्लेक्सिव प्रनाउन में क्या आता है? सब्जेक्ट को रिप्लेस करने की जरूरत नहीं होती. सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बोथ आर इक्वल. राइट, इक्वल ही हो. जोहन सेंट हिमसेल्फ अ कॉपी. तो जोहन ने किसको कॉपी सेंड की? हिमसेल्फ, अपने आप को ही. तो हमने जोहन को रिपीट नहीं किया. राइट. नेक्स्ट सेम एग्जाम्पल. यू माइट इंजर योर सेल्फ. हमने ऐसे नहीं लिखा. यू माइट इंजर यू. यू की प्लेस पे योर सेल्फ यूज किया. राइट. नेक्स्ट एग्जाम्पल. शी ब्लेम्स हर सेल्फ. शी की प्लेस पे शी है तो हमने सेंटेंस में क्या यूज किया? हर सेल्फ. शी ब्लेम्स हर सेल्फ फॉर वॉट हैपन्ड. राइट. सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बोथ आर इक्वल. सब्जेक्ट क्या होता है? ही शी इट. दीज आर सब्जेक्ट्स. नेक्स्ट एग्जाम्पल. आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर. आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर. राइट. नेक्स्ट. वी विल इंजॉय आर सेल्फ. वी विल इंजॉय आर सेल्फ एट द डांस. आर सेल्फ. वी प्लूरल है तो प्लूरल की प्लेस पे हमने क्या यूज किया? आर सेल्फ. राइट. नेक्स्ट. ही वॉज टॉकिंग टू हिमसेल्फ. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस मे ऑल्सो बी यूज एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट. ही वॉज टॉकिंग टू हिमसेल्फ. तो हिमसेल्फ क्या है यहाँ? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन. नेक्स्ट इज शी डिड द जॉब बाय हर सेल्फ. इट इज द सेम एग्जाम्पल. नेक्स्ट सेम ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन. ही मेड अ कप ऑफ कॉफी फॉर हिमसेल्फ. राइट. सो स्टूडेंट्स, वी हैव लर्नड अबाउट प्रोनाउंस एंड इट्स थ्री टाइप्स. सो टुडे वी हैव लर्नड अबाउट मीनिंग ऑफ प्रोनाउंस एंड इट्स थ्री टाइप्स. प्रोनाउंस क्या होते हैं? जो नाउन की प्लेस पे यूज किए जाते हैं या किसी सेंटेंस में नेमिंग वर्ड या टेलिंग वर्ड. टेलिंग वर्ड्स में प्रोनाउंस क्या होते हैं? जो नाउन की प्लेस पे यूज किए जाते हैं. और हम रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए ये वर्ड यूज करते हैं. राइट. एंड वी हैव डन थ्री टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस. कौन कौन सी टाइप की हमने? पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउंस में क्या था? उसमें हमने थ्री टाइप्स किए थे. प्रोनाउंस ऑफ फर्स्ट पर्सन, जिसमें क्या आता है? आई मी माई माइन. एंड प्रोनाउंस ऑफ सेकेंड पर्सन में क्या आता है? यू योर्स. एंड प्रोनाउंस ऑफ थर्ड पर्सन में क्या आता है? ही शी इट. राइट. एंड सेकेंड सेकेंड टाइप इज द पोजेसिव प्रोनाउन. पोजेसिव प्रोनाउन में हमने क्या किया? सिंगुलर एंड प्लूरल प्रोनाउन यूज किए हैं. सिंगुलर कौन कौन से थे? पोजेसिव प्रोनाउन में हमने क्या स्टडी की है? के हु ओन्स सच
समथिंग कि कोई चीज किसकी है, जैसे एग्जाम्पल थी दिस बुक इज माइन, दिस किटी इज माइन, दैट ड्रेस इज योर्स, दैट बाइसाइकिल इज योर्स, ऐसी जिसमें माइन योर्स हर्स, ये सब एग्जाम्पल थी पोजेसिव प्रोनाउन की, राइट। एंड द थर्ड टाइप इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमने क्या किया था, कितने टाइप्स होते हैं रिफ्लेक्सिव, 8 टाइप्स के, कौन कौन से, हर सेल्फ माई सेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमने कौन कौन से टाइप किए थे, हर सेल्फ इट सेल्फ माई सेल्फ योर सेल्फ हिम सेल्फ, राइट। एंड प्लूरल में आर सेल्व देम सेल्व एंड योर सेल्व, राइट। दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस एंड टुमारो वी विल डू इट्स अनदर टाइप्स, क्लियर। सो रिवाइज दीज प्रोनाउंस क्लियरली, अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग, राइट। थैंक यू।